नवी मुंबई के एहरोली में पेड़ गिरने से एक की हुई मौत, वहीं शील फाटा पर भी गिरा पेड़, कोई हताहत नहीं। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश और जो तेज हवाएं चल रही है, इसके चलते दो अलग अलग दुर्घटनाएं हुई है। पहली दुर्घटना की खबर नवी मुंबई के एरोली के सेक्टर 17 से है। यहां पर अभ्युदय बैंक है, इसके सामने 7 जुलाई को सुबह काफी लंबी लाइन लगी थी पैसे निकालने वाले लोगों की। उसी दौरान सड़क के डिवाइडर पर लगा हुआ एक पेड़ तेज हवा के कारण लाइन में लगे लोगों पर गिर पड़ा, जिसके चलते एरोली गांव में ही रहने वाले बलिराम विट्ठल पाटिल की मौत हो गई। पेड़ की वजह से पहले बलिराम की टांग चोटिल हुई, अस्पताल ले जाया गया डीवाई पाटिल अस्पताल में, मगर वहां ऑपरेशन से पहले बलिराम ने दम तोड़ दिया। बलिराम के साथ में इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी खबर में हम आपको बता रहे हैं, शील फाटा रोड पर जो रॉयल क्लासिक होटल है, इस रॉयल क्लासिक होटल के पास शाम 4 से 5 बजे के बीच तेज हवाओं के कारण जो है एक पेड़ गिरा, 2 गाड़ियों पर गिरा, जिसमें से एक गाड़ी को बाद में हटा लिया गया, मगर एक टैंकर इस पेड़ के नीचे शाम तक दबा हुआ था। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, मगर अब तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण पुराने पेड़ गिरने की वारदातें और दुर्घटनाएं बढ़ते जा रही है। मोबाइल क्या बाबा ने फोन कराते ना महानगरपालिका पुलिस नहीं राउंड अपना कुछ नहीं गाड़ी पड़े ने कुछ लगा है।